Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 11th वाले या 12th वाले और 10th वाले, ठीक, 10th और 12th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 10th में भी है और 12th में भी है। तो जो मैं कराता हूं पूरा विस्तार में कराता हूं, जिससे 12th वालों को भी फायदा मिले और 10th वालों को भी मिले। आज का जो टॉपिक है हमारा, कल हमने जो है पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, ठीक, तो और प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता में हमने पढ़ा था कि 1n2 बराबर 1/2n1, यही पढ़ा था हमने कल। तो ये तो था कि जब हमको दो सतह दी जाए, मतलब दो माध्यम दिया जाए, तो 1n2 बराबर 1/2n1 होता है। आज हम लोग सवाल पर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस पे थोड़ा एक पॉइंट और समझिए। इसका मतलब हुआ कि 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। इसी तरह आपको अगर तीन सतह दी जाए, चार सतह दी जाए, चाहे जितनी सतह दी जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1n2 2n1 इंटू, फिर देखिए 1n2 2n1, उसी तरह 3n1 यानी कि 1 से 2 में, 2 से 3 में और 3 से 1 में, मतलब यहां पे देखिए 1 से 2 में गई, 2 से फिर वापस आ गई 1 में, फिर यहां क्या देखते हैं 1 से 2 में गई, 2 से 3 में गई, 3 से 1 में, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में और तीसरे माध्यम से पहले माध्यम, तब भी इसका जो है मान 1 ही होगा। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम है, ठीक। अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखिए तो वहां जरूर देखिए, उसके बाद अगर डाउट हो तो आप डाउट बताइए, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग जहां जहां भी हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हो, हर जगह एक बार शेयर कर दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग आशीष, पंकज, मोहित, दिलीप, शिवेंद्र, सचिन, निहाल, नीरज, पंकज, विपिन, चंद्रभान, आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तब तक ये समझ गए। तो अब इसमें देखिए, अगर अभी हम किसी एक का मान निकालें, किसी एक का मान अगर हम निकालें, तो किसी एक का मान क्या हो जाएगा बताइए। जैसा कि अगर अभी हम यहां से 2n3 का मान निकालें, तो 2n3 क्या हो जाएगा, 1/3n1, और ये भी आपका नीचे हो जाएगा 1n2, ठीक। या फिर अभी हमने यहां पे देखा क्या, 1n2 बराबर 1/2n1, तो ये हो जाएगा 2n3 बराबर ये 1/3n1 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1n2 की जगह क्या हो जाएगा 1/2n1, या फिर 2n3 बराबर ये हो जाएगा 2n1/3n, ठीक, ये हो जाएगा आपका फार्मूला कि 2n3 यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का आवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का आवर्तनांक बटे तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का आवर्तनांक। तो यही चीज है, ये फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। अभी जब मैं सवाल बताऊंगा तब आपको इसका काम लगेगा। एक फार्मूला हमने ये बताया था, ठीक। तो अब समझ लीजिए कि हमने फार्मूले कितने बताए। अब कुल पूरा सूत्र देख लीजिए कि हमने अभी तक कौन कौन सा सूत्र बताया। हमने जो सूत्र बताया है, हमने सूत्र बताया है यन बराबर sin i/sin r, तो जहां पे यन का मतलब 1 और 2, ठीक। एक फार्मूला हमने ये बताया, दूसरा फार्मूला हमने बताया क्रांतिक कोण का। क्रांतिक कोण का हमने फॉर्मूला क्या बताया कि 1n2 बराबर, ठीक, देखिए बता रहे हैं क्या बताया दूसरा फॉर्मूला, 1n2 बराबर 1/sin c, जहां पे c आपका क्रांतिक
क्रांतिक कोण है। फिर देखिए तीसरा फार्मूला हमने बताया वन एन टू बराबर वन अपान टू एन वन। फिर चौथा फार्मूला हमने बताया टू एन थ्री बराबर टू एन थ्री बराबर वन एन थ्री अपान वन एन टू। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं टू एन वन अपान थ्री एन वन। ठीक, दोनों चीज एक ही है। या फिर इसको लिख सकते हैं थ्री एन वन अपान थ्री एन टू। ठीक, चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये लिखिए। उसके बाद देखिए आपका अगला फार्मूला जो रहता है वो है वन अपान यन बराबर वन अपान भी प्लस वन अपान यू। फिर अगला फार्मूला आपका क्या है, अगला फार्मूला है आपका यन बराबर माइनस वी अपान यू। ठीक, तो ये सारे फार्मूले आपके हैं। या फिर यन बराबर आई आई डैश अपान ओ ओ डैश या आई आई डैश अपान ओ ओ डैश बराबर माइनस वी अपान यू, ये भी हो सकता है। तो ये इतने फार्मूले हैं, ये सभी फार्मूले आप लोग लिख लीजिए। तो हम प्रश्नों पर डिस्कस करें जो हमारे सवाले हैं, चाहे वो परावर्तन की हो चाहे वो अपवर्तन की हो, बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जो आपकी किताब में है हाई स्कूल और इंटर दोनों की किताबों से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इंटर वालों की अगर बात की जाए तो इंटर वालों को मैं इस बुक से सॉल्व करा रहा हूँ, देख लीजिए, और हाई स्कूल वालों की हाई स्कूल की मैं अरिहंत की बुक से सॉल्व करा रहा हूँ और एनसीईआरटी की। तो ये तीन बुक से जो है मिला करके मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम आज क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद एक चीज और लिख लीजिए आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चला करिए। तो जब साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे तब जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आप लोग एक चीज और लिख लीजिए, क्या अवतल उत्तल। भाई दर्पण हमारे पास दो है, एक अवतल दर्पण है एक उत्तल दर्पण है। मोहित सर आपने अनुप्रयोग नहीं बताया। देखो मोहित बेटा अनुप्रयोग हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो है उसको अभी बोर्ड इस तरह नहीं समझ, मतलब ऑनलाइन जो है उसको समझाने में दिक्कत होगी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो उसको मैंने इसलिए नहीं बताया, उसको जब मैं क्लास लूंगा तो क्लास में उसको अच्छे से समझा लूंगा। ठीक, और अगर फिर भी आप अगर समझना चाहते हो तो ठीक है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी अनुप्रयोग बता दूंगा कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या अनुप्रयोग हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या अनुप्रयोग है, क्रांतिक कोण का क्या अनुप्रयोग है जिसमें आपका हीरे का चमकना हो गया, मृग मरीचिका का दिखना हो गया, ये सब है। तो उसके बाद डिस्कस फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा उसमें कर दूंगा। ठीक, तो अभी हम लोग चूंकि प्रश्नों पर डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं तो इसलिए जो है पहले आप इसको देख लीजिए। तो चलिए अवतल और उत्तल, भाई हमारे पास जो वस्तु रहता है ना वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी रहती है इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी रहती है, प्रतिबिंब की दूरी रहती है इसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपकी फोकस दूरी रहती है, फोकस दूरी रहती है इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा यू का मान हमेशा माइनस में रहेगा चाहे दर्पण उत्तल हो और चाहे दर्पण अवतल। V का मान अवतल के लिए माइनस में, उत्तल के लिए प्लस में, और F का मान माइनस में और यहां प्लस में। उसी तरह अगर हम आवर्धन की बात करें, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा छोटा गुना गुनी, इसको यंग से लिखते हैं। अगर वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, अगर वास्तविक बन रहा है तो आवर्धन माइनस होगा, प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो आवर्धन हमारा प्लस होगा, और यम बराबर होता है माइनस भी अपान यू या फिर आई आई डैश अपान ओ ओ डैश बराबर माइनस भी अपान यू। इतना फॉर्मूला ये है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, आप नोट कर लीजिए तब फिर जो हम इसको मिटा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए प्रश्नों पर
बार हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न आपका स्क्रीन पर लगेगा और आपका पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर लगा दिया गया है, देख लीजिए। लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हमको दिया क्या क्या गया है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, क्या दिया गया है? अवतल दर्पण दिया गया है। क्या दिया गया है? अवतल दर्पण दिया गया है। तो अगर अवतल दर्पण दिया गया है तो अपने दिमाग में वही अवतल वाला याद रखिए कि अवतल दर्पण दिया गया है तो यू का मान माइनस में होगा, वी का मान माइनस में होगा, एफ का मान माइनस में होगा। तो चलिए देखते हैं हमको दिया क्या गया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी मतलब एफ बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, अर्थात u बराबर 10 सेंटीमीटर लिखा है। अब कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चूंकि वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, इसका मतलब OO डैश बराबर 8 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, मतलब v का मान हमको निकालना है, v का मान हमको निकालना है। ठीक, यहां पर देखिए प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। इसमें एक चीज और पूछ लेता अगर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तब भी जो है हम इससे लगा देते। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर पूछता तब भी हम इसको सॉल्व कर लेते। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए हम v का मान निकालेंगे। तो v का मान निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है? -15। तो 1/-15 बराबर 1/v, v का मान निकालना है, प्लस 1/u, u का मान है -10। या फिर -1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/10। अब देखिए ये 1/10 को जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। अब ऐसी कोई गिनती बताइए जो 15 के पहाड़ा में हो और 10 के पहाड़ा में हो। 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 बराबर 1/v। या फिर 1/v बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 में से 2 गए 1/30, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। v का मान कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया क्या? प्रतिबिंब की दूरी हो गई, यानी कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब चूंकि देखिए v का मान क्या है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में आया ना, तो अगर प्लस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा। प्रतिबिंब किस तरह बनेगा? आभासी बनेगा। तो क्या पूछ रहा था? कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब स्थिति पूछ रहा है। तो स्थिति का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, क्योंकि हमने बताया था कि इधर की दूरी हमारी माइनस में और इधर की प्लस में, तो चूंकि ये प्लस में है इसका मतलब कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है और दर्पण आपका यहां पे है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यही पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक, यही कहा ना, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी कि दर्पण के पीछे
30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, क्या कह रहा है समझिएगा। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण अवतल है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यानी कि यह बराबर 10 सेंटीमीटर, चूंकि दर्पण अवतल है इसलिए -10 सेंटीमीटर, यह का मान -10 हो गया। आगे चलिए, कह रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बन रहा है यानी कि m बराबर 5 दिया गया है। अभी हम चिन्ह नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है प्रतिबिंब पहला आभासी और पहला वास्तविक दूसरा आभासी, मतलब दो स्थिति याद करनी है, पहली स्थिति जब आभासी हो और दूसरी स्थिति जब वास्तविक हो। ठीक, तो जब आभासी होगा, जब आभासी होगा तो यम का मान हमारा +5 रखा जाएगा, और जब वास्तविक होगा तो यम का मान हमारा -5 रखा जाएगा। ये पहला स्थिति है, ये दूसरी स्थिति। ठीक, तो यम का मान क्या रखा जाएगा, -5। तो चूंकि हमको पता है कि यम बराबर होता है -V/U, ठीक, तो यम बराबर -V/U, तो यम का मान कितना है 5। अगर 5 रखेंगे तो -V/U बराबर 5, यानी कि V बराबर -5U हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यम बराबर -V/U होता है, यम का मान -5 बराबर -V/U, माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात V बराबर 5U। तो अब ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, हमको ज्ञात क्या करना है प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी हो और प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब V का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम V का मान निकालते हैं। तो V का मान निकालने के लिए देखिए, हमको पहले F का मान पता है, हमको F का मान पता है, V का मान पता है, तो सबसे पहले हम U का वास्तविक मान निकालेंगे, यानी कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये फार्मूला होता है। हम पहली स्थिति ये वाली ले लेंगे, तो 1/F, F का मान हमको दिया है -10, 1/V, V का मान है 5U और प्लस 1/U, तो देखिए ये हो जाएगा -1/10 बराबर 5U। अगर हम LCM ले लेंगे तो 5U से 5U कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस U से U कट जाएगा, 5 × 5, तो इसका मतलब देखिए 5 × 5, 5 × 10, यानी कि -1/2 बराबर 6/U, या फिर U बराबर 6 × 12 सेंटीमीटर। U का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, तो चूंकि V बराबर क्या है, V बराबर है 5U, तो V बराबर 5 और इंटू -12, तो V बराबर 12×5=60 सेंटीमीटर। तो V का मान आ गया -60 सेंटीमीटर, यानी कि पहली स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरी स्थिति अगर की जाए तो दूसरी स्थिति के लिए क्या पता है आपको, V बराबर -5U पता है, तो इसी फार्मूले में V का मान -5U रख देंगे, तो 1/F, F का मान हमको दिया गया है -10 बराबर 1/V, V का मान है -5U और प्लस 1/U, तो -1/10 बराबर 5U, इसमें LCM ले लीजिए, 5U कट जाएगा 1 और प्लस 5 × 5, 5 × 10, यानी कि -1/2 बराबर 4/U, ये 4 है ये U है याद रखिएगा, तो U इक्वल ना U बराबर 4 × 8, U का मान आ गया -8 सेंटीमीटर। तो यहां से V का मान क्या आ जाएगा, V बराबर लिखा है -5U, तो बराबर -5 × -8, यानी कि 8×5=40 सेंटीमीटर। तो यहां पे देख रहे हैं प्लस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा कह रहा है 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली। वक्रता त्रिज्या का मतलब R बराबर दिया गया है आपको कितना 24 सेंटीमीटर। तो R चूंकि माइनस में होता है और हमने बताया है R बराबर F अपॉन 2 O, हमने बताया है F बराबर R अपॉन 2 यानी कि माइनस 24 बटे 2 यानी कि माइनस 12 सेंटीमीटर। हमको F का मान मिल गया माइनस 12 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए, 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। 2014 में पूछा गया, देख लीजिए 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मतलब वस्तु रखी है यानी कि U बराबर माइनस 3 सेंटीमीटर। आगे चलिए, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए V बराबर वाट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि 1/F = 1/V + 1/U और F का मान कितना है माइनस 12, 1/V और प्लस 1/U, U का मान हमको निकालना है। ठीक, V का मान निकालना है, U का मान माइनस 3 दिया गया है। ये है देखिए ना कि U की जगह पर माइनस 3 हो गया यानी कि माइनस 1/12 बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस 1/3। ये इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 1/V बराबर 1/3 माइनस 1/12 या फिर इसमें 12 अगर हम एलसीएम ले लें तो 1/V बराबर 3 × 4 = 12, 4 ही करना 4, माइनस 12 ही करना 12 यानी कि 1/V बराबर 4 में से ले 3 और बटे 12 तो या फिर 3 करना 3 × 3 = 12 यानी कि V बराबर 4 सेंटीमीटर। और V का मान किसमें आया है, प्लस में आया है। V का मान किसमें आया है, प्लस में आया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा लेकिन प्लस में है और प्लस का मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर अवतल दर्पण में V का मान प्लस में आ जाएगा तो जानिएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और अगर अवतल दर्पण में V का मान माइनस में आ जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। ठीक, तो ये थे हमारे आज के कुछ सवाल। और अगला जो और बचा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है उसके बाद फिर हम लोग जो है यानी टोटल हम आपको 10 क्वेश्चन भी और बताएंगे तो जिसमें आपके प्रकाश के अपवर्तन के हैं वो भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हम और उत्साह से आपको पढ़ाएं। पूरा जो है कंप्लीट किया जाएगा, कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं रहेगा। आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है कांटेक्ट करिए, मतलब मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जो भी प्रश्न हो आपको आप बताइए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।